स्टूडेंट, आज हम 10th आर्ट्स का पहला लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक पॉलीनोमियल दी गई है। पॉलीनोमियल इक्वेशन में x की पावर 4 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 9 कहते हैं कि इसमें x की वैल्यू को 0 पुट करिए, देन x की वैल्यू को 1 पुट करें। एक पोर्शन मैं आपको करवाऊंगा, एक पोर्शन आप खुद करेंगे। सबसे पहले हम जहां जहां हमारे पास पॉलीनोमियल में x है वहां 0 पुट कर दें। 0 डैश पावर 2 0 प्लस 9, 0 डैश पावर 4 का मतलब 0 है, 0 डैश पावर 2 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब देखिए जो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आएगा, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9। ठीक हो गया बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें हमने x की जगह क्या पुट करना है, माइनस 2, क्योंकि पॉलीनोमियल में हमारे पास x की वैल्यू क्या दी गई है, माइनस 2। जहां जहां x है वहां वहां आपने माइनस 2 पुट करना है। माइनस 2 एस पावर 3 का मतलब है 8। अब चूंकि पावर जो है वो हमारे पास ओड नंबर में आ रही है, इससे नेगेटिव साइन चेंज ही होगा, ये नेगेटिव ही रहेगा। 2 रेस पावर 2 क्या होता है, 4। अब ये इवन नंबर है तो नेगेटिव किस में चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में। प्लस माइनस माइनस 2 माइनस 1 16, प्लस माइनस माइनस 2 4 जा 8, माइनस 3 माइनस और माइनस प्लस माइनस 3 हो जाएगा। अब नेगेटिव वाली वैल्यू को पहले कर लें, माइनस 16 और माइनस 3 माइनस 19 एंड 8, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया, माइनस 11। अब बेटा जो मैंने क्वेश्चन स्किप किया है वो आप बुक करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे।